अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? वी डिस्कस्ड द थ्री टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ लिबरलाइजेशन. हमने तीन रिफॉर्म्स हमने डिस्कस कर लिए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज. नहीं, कौन सा रिफॉर्म हमने डिस्कस किया था? फिस्कल रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे. हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं पहले पूछ रही हूँ, जल्दी से रिस्पॉन्ड करना, थोड़ा जल्दी करना. और 1980 में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने थे अमाउंट? 1980-81 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने थे? ठीक है, ठीक है, कितने से कितने हो गए थे? मतलब एक बार अगर हम उस चेंज की बात कर लें, कितने पहले थे और फिर कितने हो गए? ठीक है, 8200 करोड़ थे एंड दैट डिक्रीज टू 6000 करोड़. ठीक है, अब ये बताओ, अप्रोक्स फिगर ही बोलना, पूरी पूरी फिगर बोलने की जरूरत नहीं है. फिस्कल डेफिसिट 1991 में कितना था? फिस्कल डेफिसिट 1991, फिस्कल डेफिसिट 1991 पलक. हाँ, 8.4% ऑफ जीडीपी. ठीक है, कौन सा ऐसा रिफॉर्म है या कौन से ऐसे रिफॉर्म का टाइप है जो ये बताता है कि द आरबीआईज रोल रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू डैश? रेगुलेटर टू डैश, उसको भी फिल कर दो. ठीक है, ठीक है, दो ऐसी इंडस्ट्रीज के नाम बताओ जिनको अभी भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जरूरत है. एनी टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, यश, इंडस्ट्रीज, सेक्टर्स नहीं, इंडस्ट्रीज. हाँ, फार्मा हो गया, ड्रग्स मेनली, जिसमें हम मेडिसिन की बात करते हैं, अल्कोहल है, टोबैको है. ठीक है, ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा और क्वेश्चन. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रिड्यूसिंग द डायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस करने का मेन गोल या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? बिल्कुल ठीक है, टू प्रोटेक्ट टैक्स इवेजन या टू रिड्यूस टैक्स इवेजन. ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनका रिप्लाई काफी कम देखने को मिलता है. अंश, तेरा रिप्लाई बहुत कम आता है. यश मलिक, ग्रेशो का भी कम ही आता है, कभी कभी आता है. अदर देन दिस, बाकी तो यति का रिप्लाई कम आ रहा है आजकल. तो जिन बच्चों के मैंने नाम बोले हैं, ट्राई करो कि आप रिप्लाई ज्यादा करें. अश्विन का भी कम आता है रिप्लाई. ठीक है, देख लो भाई कि रिस्पॉन्स वगैरह करना स्टार्ट करो, अदरवाइज ऐसे बैठे बैठे तो काम नहीं चलेगा ना यार. ठीक है, हाँ भाई, सबसे पहले आज लिबरलाइजेशन पूरा हम खत्म कर लेंगे. अभी के अभी दो रिफॉर्म्स छोटे छोटे से और बचे हुए हैं, ध्यान दो. एक है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और एक हम पढ़ेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स. सुनते रहना. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स रिलेट करो जो हमने इनिशियल चैप्टर में पढ़ा था इसी के, कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो रहे थे क्योंकि हम इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो रहे थे. सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि यार हमने टैरिफ और कोटास भी लिवाए कर रखे हैं, उसके बाद भी इंपोर्ट्स कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसकी वजह से डॉलर्स के टर्म्स में पेमेंट ज्यादा हो रही है, विच लीड टू रिडक्शन इन आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो ये बोला गया कि क्यों ना अपनी करेंसी को डी वैल्यू किया जाए. That term is known as devaluation of rupee.
पहले डिवैल्यूएशन बोला करते थे इस टर्म को, अब इसको डेप्रिसिएशन के नाम से डिनोट करते हैं, क्योंकि पहले हर चीज गवर्नमेंट की ओनरशिप में होती थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी। जो ये जो होता है ना, $1.70 का हो गया, $1.65 का हो गया, 75 का हो गया, ये हर चीज पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी हर चीज। अभी तो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे हर चीज चलती है। पहले प्राइसेस के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट था, गवर्नमेंट जो बड़ा डिसीजन मेकिंग का पार्ट था दैट वॉज गवर्नमेंट। तो उन्होंने बोला कि करेंसी को डीवैल्यू किया जाए, मतलब $1 अगर फिलहाल 50 का है तो उसको डीवैल्यू कर दो। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। ढंग से समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डीवैल्यूएशन का मतलब है कि जब हमारी करेंसी सस्ती हो जाती है, जब रुपी सस्ता हो और जो डॉलर है दैट इज एनी अदर करेंसी वो कॉस्टली हो, महंगी। दिस इज द डेफिनेशन फॉर डीवैल्यूएशन। हमारी करेंसी सस्ती हो गई और उनकी करेंसी महंगी हो गई। ये किया क्यों था? डीवैल्यूएशन करने का सिर्फ एक लौता ऑब्जेक्टिव था कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने थे और इम्पोर्ट्स कम करने थे। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम अपनी करेंसी को सस्ता कर दें तो गुड्स भी ऑटोमेटिकली चीपर हो जाएंगे। क्या पता इसी नोशन से बाहर वाले जो लोग हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करना स्टार्ट कर दें। तो उन्होंने सिर्फ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और इम्पोर्ट्स को घटाने के लिए ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देते हैं। अब हुआ क्या, इसका एज सच उन्हें कोई फायदा नहीं मिला था, दैट विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द चैप्टर। बट हम यही बोलते हैं कि डीवैल्यूएशन किया इसी ऑब्जेक्टिव से था। अभी हमें पता कैसे चलता है कि हमारी करेंसी सस्ती हो गई, उनकी करेंसी महंगी हो गई? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे, उसके बेसिस पे समझ लेना। अगर समझ ना भी आए तो भी हम इसको ब्रॉडर मैनर में मैक्रो के एंड वाले यूनिट में पढ़ेंगे, वहां तो डायग्राम भी आएगा इसका, ठीक है? अभी के लिए बस समझो। पहले हम ₹50 खर्च करके $1 खरीद रहे थे, अब सेम डॉलर मुझे ₹55 में मिल रहा है, तो मुझे उनकी करेंसी महंगी लग रही है या सस्ती लग रही है, जल्दी बताओ। पहले ₹50 में $1 मिल रहा था, ₹5 ज्यादा खर्च करने पे सेम डॉलर मिल रहा है, तो मुझे उनकी करेंसी सस्ती लग रही है महंगी लग रही है? वही हमने लिखा था, डॉलर महंगा है, और डॉलर महंगा है इसका मतलब इम्पोर्ट्स ऑटोमेटिकली कम होंगे। अब उन्हें कैसे हमारी करेंसी सस्ती लग रही है उस पर भी नजर डालते हैं। पहले वो $1 खर्च करके इतनी वर्थ ऑफ गुड्स इंडिया से परचेज कर रहे थे, ₹50 वर्थ ऑफ गुड्स $1 स्पेंड करके, अब सेम डॉलर स्पेंड करके उन्हें ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। पहले 50 वर्थ ऑफ गुड्स मिल रहे थे, 55 वर्थ ऑफ गुड्स उन्हें मिल रहे हैं सेम डॉलर खर्च करने पे, तो उन्हें मेरी करेंसी क्या लग रही है? सस्ती। इसका मतलब मेरी करेंसी चीपर है तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डीवैल्यूएशन। मैंने सिर्फ एक मतलब समरी दे दी तुम्हें, कैसे पता चलता है कि हमारी करेंसी सस्ती है या उनकी करेंसी सस्ती है एंड वाइस वर्सा। तो अब कभी भी जब न्यूज़पेपर पढ़ो या कुछ भी करो तो जरा ये नोटिस करना, जब तुम सुनते हो कि अरे यार रुपया गिरता जा रहा है, रुपया महंगा होता जा रहा है, तो तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है? दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, डीवैल्यूएशन। साथ में एक और पॉइंट बोला गया कि अब फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो डिटर्मिनेशन है, मतलब ये जो एक्सचेंज रेट डिसाइड करती थी ये पहले गवर्नमेंट करती थी, अब बोला गया कि अब गवर्नमेंट के रोल को पूरी तरीके से खत्म करो, हर चीज, कोई बात नहीं हर्ष, कोई बात नहीं, अब हर चीज किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? डिमांड सप्लाई। जैसे प्राइसेस के लिए होता है, भाई डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, डिमांड कम होती है तो प्राइस घट जाते हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इज डिपेंडेंट अपॉन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्यों गवर्नमेंट की ओनरशिप में रहे? भाई हर चीज किसकी ओनरशिप में रहनी चाहिए? मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर हमें लगेगा कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं तो हम अपनी करेंसी को महंगी कर देंगे, मतलब वो तो गवर्नमेंट फिक्स करेगी रेट, मगर ये जो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है, करेंसी का बढ़ना करेंसी का घटना, ये हर चीज किसकी ओनरशिप में रहेगी? मार्केट की, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो ये दो मेन पॉइंट्स आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में, एक है डीवैल्यूएशन और एक है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। जल्दी पढ़ो।
हर्ष, मैं एक बार तेरे लिए बोल रही हूँ। पहला पॉइंट हमने बस ये डिस्कस किया था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स का कि डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि करेंसी को जब सस्ता कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे हमने ये देखा था कि यार हमारे इम्पोर्ट्स कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स घटते जा रहे हैं। सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और इम्पोर्ट्स को कम करना है। तो वो एक चीज से हो सकता है, अगर हम अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा दें, मतलब अपने रुपए को सस्ता कर दें, तो शायद बाहर वालों को लगे कि यार इनके गुड्स सस्ते हो गए हैं, तो वो एक्सपोर्ट्स ज्यादा करने लग जाएं, मतलब गुड्स हमारे ज्यादा खरीदने लग जाएं। और ऑटोमेटिकली ये साथ में चलता है, जब भी हमारी करेंसी सस्ती होती है तो दूसरी करेंसी महंगी हो जाती है, तो अगर दूसरी करेंसी महंगी होगी तो ऑब्वियस सी बात है हम इम्पोर्ट्स कम करेंगे। हर्ष, हाँ जी, यार डिवैल्यूएशन अब टर्म यूज नहीं होता, नाउ द टर्म यूज्ड इज डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन 1991 के टाइम पे यूज होता था, उससे पहले ही रादर, जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट डिसाइड करती थी। सेकेंड पॉइंट, स्वामी, सेकेंड पॉइंट बस ये है, जैसे अभी हम बोलते हैं ना प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं या प्राइसेस घटते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे चलता है, डिमांड सप्लाई जिसको हम बोलते हैं, कि जब डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, डिमांड कम होती है प्राइस घट जाते हैं। उस टाइम पे ये बोला गया कि पहले ना गवर्नमेंट ये रेट्स डिसाइड करती थी कि $1 कितने का होना चाहिए, $1 कितने, कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो अब बोला गया व्हेन वी लिबरलाइज आवर इकोनॉमी, तो ये बोला गया कि अब जो है जो बढ़ना और घटना है वो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे चलेगा, गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि कब हमें एक्सचेंज रेट बढ़ाना चाहिए और कब कम करना चाहिए। जब हो जाए तो बता देना। ठीक है यति, ठीक है। देखो अभी तक एक लास्ट जो लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द फिफ्थ रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, जिसमें मेनली वी टॉक अबाउट जो पहले क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस रखते लगते थे टैरिफ या कोटास के फॉर्म में, तो उनको किस तरीके से लिबरलाइज किया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि पहले पॉइंट ये बोला गया कि हमें अपने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को, मेनली जो क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लिवाए हो रहे हैं, दैट इज कोटास, कोटा भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, उसको डिसमेंटल करते, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए पूरी तरीके से हटा दिया, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस कर दिया, मतलब कोटास की लिमिट को डिक्रीज कर दिया। तो ये बोला गया क्योंकि अभी तक हम क्लोज्ड इकोनॉमी के फॉर्म में काम कर रहे थे, कि हम ये बैरियर्स इसीलिए लिवाए कर रहे थे ताकि ना हमारे वाले गुड्स बाहर वाले देख सके ना हम उनके गुड्स को देख सके। तो इट वॉज प्लान कि डिसमेंटल कर दो कोटास के रिस्ट्रिक्शंस को, रिमूव कर दो या रिड्यूस कर दो। साथ में ये भी बोला गया कि टैरिफ रेट्स को भी रिड्यूस कर देना चाहिए। टैक्सेस इम्पोज होते हैं, मतलब गुड्स पे, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इम्पोर्ट हो, टैरिफ्स लगाए होते हैं, मगर उनके रेट्स इस तरीके से होने चाहिए कि दूसरे इंडिविजुअल को, दूसरे नेशन को ट्रांजैक्शन करने में या ट्रेड करने में दिक्कत ना आए। तो अगेन इट वॉज प्लान कि जो टैरिफ रेट्स हैं उनको काफी हद तक क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। और पहले हमारे एक्सपोर्ट पे भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज लेवाई होती थी, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट्स पे भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज लेवाई होती थी ताकि बाहर वाले हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद ही ना पाए, क्योंकि हम चाहते ही नहीं थे। बट अब बोला गया कि ये पूरी तरीके से एक्सपोर्ट ड्यूटीज को क्या कर दो, हटा दो, रिमूव कर दो, ताकि हम फ्री ट्रेड कर पाए, कोई बैरियर या कोई रिस्ट्रिक्शन ना आए। तो ये तीन बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं ट्रेड रिफॉर्म्स के, कोटास को डिसमेंटल करो, टैरिफ्स को रिड्यूस करो, और जो हमारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे ड्यूटीज लेवाई हो रही है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, उसको भी पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए।
तुम देख रहे हो, हमने लिबरलाइजेशन पढ़ते पढ़ते, यश दोनों सेम चीजें हैं, बट हम इसको थोड़ा सा डिफरेंस के फॉर्म में ऐसे देखते हैं कि जो टैरिफ होता है ना, वो सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे लगता है। टैक्सेस इस फॉर्म में भी हो सकती हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज के फॉर्म में, मगर टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में भी हो सकती हैं, जो सिर्फ उसका ट्रेड से कोई कनेक्शन नहीं है, दैट इज विद इन आर डोमेस्टिक बाउंड्रीज। मगर टैरिफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के साथ डील करता है बस। हमने लिबरलाइजेशन पढ़ते पढ़ते प्राइवेटाइजेशन भी इंक्लूड किया कि प्राइवेट सेक्टर को भी ओनरशिप देनी चाहिए, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर में पढ़ा या इंडस्ट्रियल सेक्टर में। साथ में हमने ग्लोबलाइजेशन का भी एक एस्पेक्ट पढ़ लिया ट्रेड का। तो तभी हम बोलते हैं कि लिबरलाइजेशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर के पार्ट्स हैं ये प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हो गया। ठीक है, देखो इधर, अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लिबरलाइजेशन सबसे वास्ट टॉपिक था, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन को हम दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, जो इनिशियली भी हमने डिस्कस किया था। पहला, अगर मैं अपना 100% कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को सेल ऑफ कर दूं, 100% कंट्रोल का मतलब ये होता है कि मैं अपनी अपना पूरा एसेट, अपनी पूरी मशीनरी, अपनी पूरी बिल्डिंग, अपना पूरा पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर मैं सेल ऑफ कर दूं प्राइवेट सेक्टर को 100%, तो दैट इज द डेफिनेशन फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही है जब अपनी पूरी अंडरटेकिंग सेल ऑफ कर देते हो टू द प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट फर्म्स, या फिर आप पूरा 100% कंट्रोल नहीं दे रहे अपने एसेट का, आप सिर्फ एक पार्ट देते हो, जिसको हम बोलते हैं अ पार्ट ऑफ इक्विटी इज बीइंग सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, जिसको हम प्राइवेटाइजेशन का एक पार्ट मानते हैं, मगर हम इसको डिनोट एक अदर नेम से करते हैं, एंड दैट नेम इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि व्हेन अ पार्ट ऑफ इक्विटी या पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग इज बीइंग सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल नहीं रहेगा, अब गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहेगा और प्राइवेट फर्म्स का भी कंट्रोल रहेगा, मतलब 100% कंट्रोल अभी तक हमने सेल ऑफ नहीं किया है टू द प्राइवेट सेक्टर, दैट टर्म इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन प्राइवेटाइजेशन, तो ये भी एक्सप्लेन होगा और ये भी एक्सप्लेन होगा, दोनों टर्म्स। ठीक है, ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें पूरे प्राइवेट सेक्टर की, या प्राइवेटाइजेशन जब चीजें होना स्टार्ट हुई स्लोली एंड स्टेडिली, तो हमने ये देखा कि काफी बेनिफिट मिला हमारी इकोनॉमी को इस प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, काफी बेनिफिट। हर रिफॉर्म जब नया नया आता है तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, हर रिफॉर्म के होते हैं। हमें ये देखना होता है कि क्या ज्यादा है, एडवांटेजेस ज्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, उसी के बेसिस पे हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हैं कि अच्छा यार, ये जो पॉलिसी निकाली ना, ये अच्छी थी, इसलिए अच्छी थी क्योंकि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा थे, नेगेटिव भी थे मगर वो कम थे। ऐसे ही तो डिबेट्स होती हैं, जब आप न्यूज चैनल्स पे भी देखते हो तो वी डिबेट ऑन दोस पर्टिकुलर टॉपिक्स जिसमें हमें पता है कि यार इसके एडवांटेजेस ज्यादा नहीं है, इसके डिसएडवांटेजेस है, एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे ही सारे के सारे टर्म्स या रिफॉर्म्स निकाले जाते हैं। देखना है, इधर प्राइवेटाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब ये है
कि पहले ना जो भी डिसीजन मेकिंग था, जो भी डिसीजन मेकिंग था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। हर चीज से रिलेटेड डिसीजन जो था वो गवर्नमेंट लेती थी, मगर जब प्राइवेटाइज होना स्टार्ट हुई चीज है तो डिसीजन मेकिंग का पार्ट, मेन पार्ट किसको बना दिया गया? प्राइवेट सेक्टर को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी थी, क्योंकि जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में हर चीज थी तो गवर्नमेंट ना रिसोर्सेस बहुत कम इन्वेस्ट करना पसंद करती है कि कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर करना। तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ज्यादा मेहनत नहीं करना पसंद करती, मगर ऐसा प्राइवेट सेक्टर के साथ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में ज्यादा मेहनत भी करता है। तो हम ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग जब से प्राइवेट सेक्टर को दिया गया तो उससे ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत एक्सपैंड हो गया था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपैंड हो रहा था और ज्यादा लोगों को क्या मिलना स्टार्ट हो गई थी? एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो गई थी। तो एक अच्छी चीज है, जब प्राइवेटाइज होती है चीज तो हमारी जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट बन जाती है और स्किल्ड भी बन जाती है। साथ में हम ये भी कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब वो रेगुलर सप्लाई करता है फंड्स की, रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड्स। मतलब जो ऊपर हमने इनिशियली थोड़ा सा डिस्कस किया, इनका काम ये है कि भैया हर बार इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा नहीं है कि एक बार पैसा इन्वेस्ट करके अब हम मतलब हमने सब कुछ छोड़ दिया है कि अच्छा आप काम काम जो है वो खुद ब खुद चलेगा। ऐसा गवर्नमेंट कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट तभी तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में अगर हर चीज रहेगी तो करप्शन बहुत बढ़ता है, इतना प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल में नहीं बढ़ता, क्योंकि वो रेगुलरली पैसे को, रिसोर्सेस को इन्वेस्ट करती रहती है, मगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। तो इट मेंटेन्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रेगुलरली सप्लाइंग फंड्स। रेगुलरली सप्लाइंग फंड्स का मतलब वो रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करती रहती है, क्योंकि उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ऐसे ही बजटरी डेफिसिट गवर्नमेंट को ना बहुत फायदा मिला था प्राइवेटाइजेशन का। कैसे? सुनना ढंग से। गवर्नमेंट का बजट पहले बहुत डेफिसिट में जाता था। डेफिसिट का मतलब नेगेटिव में जाता था, मतलब गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा होते थे और रिसीट्स बहुत कम होती थी, बहुत कम, प्रायर 1991। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा यार रिसीट्स हमें तो बढ़ानी पड़ेंगी, ऐसे तो हम डेट में चले जाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो डेट में जाएगा, और वो था भी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब प्राइवेटाइज करना स्टार्ट किया धीरे धीरे हर सेक्टर को, तो उसको गवर्नमेंट को फायदा कैसे मिला? गवर्नमेंट ने ये बोला कि यार अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। प्रॉफिट्स पे गवर्नमेंट क्या लिवाई करेगी? टैक्सेस। और वो टैक्सेस किसको फायदा देंगे? गवर्नमेंट के रिसीट्स को बढ़ाएंगे, तो गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा, क्योंकि उनका जो डेफिसिट बजट था वो अब रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पहले मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे अभी याद आया, बताना। ऐसे ही प्रॉफिट्स पे कौन से टैक्सेस लगते थे, नाम बताना जरा, देखते हैं कितना याद है तुम लोगों को। प्रॉफिट्स पे टैक्सेस लगते, वो याद है। गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स, मुझे लगा भूल तो नहीं गए तुम, नेशनल इनकम। ठीक है। देखो, रिडक्शन इन बजटरी डेफिसिट, फिर से एक बार ये पॉइंट बस जल्दी से बता रही हूँ। गवर्नमेंट का बजट जो है वो पहले डेफिसिट में जाता था, मतलब उनके रिसीट्स कम होते थे और खर्चे ज्यादा होते थे। तो फायदा कैसे मिला गवर्नमेंट को? उनको अपने रेवेन्यू बढ़ाना था भाई, और वो उन्हें मेनली टैक्सेस से मिलता है। तो ये प्लान्ड स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो, कि धीरे धीरे उन्होंने चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना स्टार्ट की ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा प्राइवेट सेक्टर उतना ज्यादा टैक्स लेवाए होगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स। और फिर वो टैक्स रिसीट्स के फॉर्म में किसको दिए जाएंगे? गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। तो ऐसे बेनिफिट मिला था गवर्नमेंट को इन रिडक्शन देयर डेफिसिट। ऐसे ही जहां प्राइवेट सेक्टर होता है वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है। प्राइवेट फर्म्स बहुत कॉम्पिटिटर होते हैं, क्योंकि वो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंशिएटेड गुड्स जिनको हम बोलते हैं, वेराइटी बनाते हैं प्रोडक्ट्स की।
अगर प्रोडक्ट्स की वैरायटी बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा होंगे, सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा दिखेंगे मार्केट में, तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन देयर इज कॉम्पिटिटिवनेस इन द इकोनॉमी. और जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड होगा इकोनॉमी में, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा डेवलप होगा, और जितना अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बाहर के इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि वो इंडिया में आके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें. सो दैट इंड्यूसेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल. तो ये दो पॉइंट्स थोड़ा सा रिलेट होते हैं आपस में. कंपटीशन बढ़ता है क्योंकि वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है प्राइवेट सेक्टर, जिससे सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं मार्केट में, और जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाएगा. और प्राइवेटाइजेशन जैसे ही एक्सपैंड होगा वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो बाहर वाले इन्वेस्टर्स ज्यादा आना पसंद करेंगे इंडिया में और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे. तो ये कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं प्राइवेटाइजेशन के. जल्दी लर्न करो. अगर प्राइवेटाइजेशन का क्वेश्चन आया तो पूरा एक साथ आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट्स के साथ. प्रगति बी पॉइंट, बी पॉइंट ये बोलता है प्रगति कि क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मेंटेन करता है. फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब ये है कि वो रिसोर्सेस मतलब पैसे को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, क्योंकि वो रेगुलरली पैसा ना इन्वेस्ट करता रहता है किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में. ऐसा नहीं है कि वो एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी फिर वो बस बैठ गया कि अब काम खुद ब खुद चलेगा, ऐसा नहीं होता. उनका मेन मुद्दा है प्रॉफिट कमाने का, तो वो रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट्स वो अर्न कर सके. मैंने सुना आज तुम लोगों को डांट पड़ी है 4 से 5 वाले बैच में अकाउंट्स में, क्या मैंने सही सुना है? और डांट पड़ी क्यों है? अच्छी खासी, अच्छा थोड़ी पड़ी. अच्छा और डांट पड़ी क्यों? क्योंकि तुम आंसर नहीं दे रहे थे. ऐसे स्वामी कह रही है बहुत पड़ी बेटा. तुम कल देखते, कल 4 से 5 MWF वाले बैच को तो कुछ ज्यादा ही पड़ गई थी. वो तो बेचारे थोड़े शॉक में ही थे थोड़ी देर के लिए. तुम्हें तो फिर भी इतनी नहीं पड़ी होगी, कल 4 से 5 वाले में तो हद ही हो गई थी. ऐसा होता है कभी कभी. मैं तो तुम्हें हमेशा ही डांटती रहती हूँ तो तुम्हें अब असर नहीं होता, पर सर का तो कभी कभी असर पड़ता है क्योंकि वो वैसे कभी डांटता नहीं है. तो तुम्हें कभी कभी डांट पड़ी है तो थोड़ा असर हो जाता है. मेरी तो तुम्हें आदत ही पड़ गई है ना? ऐसा है ना? यस कह रहे सही बात. बेशरम बेशरम हो गए हो तुम. हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट, हो गया ना? ठीक है, देखो इधर
अब जरा बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. तीन नेगेटिव इम्पैक्ट है एंड द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज बहुत ऑब्वियस, निग्लेक्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट. पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो है वो उनमें फर्क ही नहीं पड़ता कि सोसाइटी का इस चीज में वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा. कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वो ऐसी इंडस्ट्रीज को भी इतना प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे हम तुम अभी एड्स वगैरह देखते होगे, जैसे अभी अभी मेरी अभी मैं घर से जब निकली थी मैं एक एड देख रही थी उसका, जिसमें शाहरुख खान और अजय देवगन दोनों आ गए हैं. किस चीज की एड है वो, मतलब वो ब्रांड का नाम मैं भूल गई. शाहरुख खान और अजय देवगन दोनों, पहले अजय देवगन था अब शाहरुख खान भी आ गया है उस एड में. अच्छा हाँ हाँ विमल. तो अब विमल जो है ठीक है अब अच्छा जुबा हाँ वही विमल जुबा केसरी जो भी है. तो अब तुम देखना जैसे इस ये एड दे रहे हैं किस चीज की, इलायची की. मैं ऐसी चीज को नोटिस कर रही थी कि दे आर गिविंग एड्स ऑफ इलायची. इलायची की कौन एड देता है भाई, मतलब हमें पागल बना रहे हैं ये. इलायची की एड दे रहे हैं मगर उन्हें पता है कि लोग इलायची थोड़ी परचेस करेंगे विमल की, वो क्या परचेस करेंगे, पान मसाला परचेस करेंगे. तो दिस इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसे इतना प्रॉफिट कमाना है कि वो ये पूरी तरीके से इग्नोर करता है कि यहाँ पे लोगों का सोशल वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब पता है मतलब बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं. जैसे हम अभी लॉकडाउन के टाइम पे ये कह रहे थे कि नॉर्मल किराना शॉप्स जो हैं वो टाइमली ओपन हो रही है मगर जो अल्कोहल शॉप्स हैं वो पूरा पूरा दिन खुली हुई है. दिस इज प्राइवेटाइजेशन, दिस इज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. इसमें गवर्नमेंट को भी फायदा है भाई, तभी तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है. हैवी टैक्सेस किस लिए लेवाए होते हैं अल्कोहल पे या टोबैको पे, क्योंकि गवर्नमेंट को डबल डबल टैक्स मिलते हैं. एक तो प्रोडक्शन पे टैक्स लग रहा है वो भी मिल रहा है, और जो सेल्स टैक्स है वो भी मिल रहा है. तो हर चीज मतलब बहुत ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करती है यहाँ से गवर्नमेंट. तो दिस इज निग्लेक्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट. तुम एग्जाम्पल देके ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो. ठीक है, ऐसे ही जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनके प्रोडक्ट्स नो डाउट दे आर वेरी वेरी गुड एंड दे आर ऑफ हाई क्वालिटी. मगर अगर हाई क्वालिटी के होते हैं तो साथ में उनके प्राइसेस भी एबनॉर्मली बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको जो एक पुअर कंज्यूमर है वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाता है. जो बेसिकली द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते. इसका एग्जाम्पल तुम हॉस्पिटलाइजेशन से देख सकते हो. ये जो हॉस्पिटल्स हैं, वाई द रूरल पीपल प्रेफर टू गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनको कोई मजा थोड़ी आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. उन्हें तो वहां पे फैसिलिटी ऐसी बेकार सी मिलती है, उन्हें मजा थोड़ी आ रहा है वहां पे जाने पे. वो जाते हैं इसलिए क्योंकि वो सस्ते हैं, वो जा ही नहीं सकते, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स को. तो नो डाउट द क्वालिटी इज गुड बट नॉट अफोर्डेबल बाय एवरीवन. ऐसे ही वो अपना मोनोपोली, जिसको हम बोलते हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल भी चाहते हैं. जस्ट लाइक गवर्नमेंट जो पहले 1991 से कर रही थी, 1991 से पहले कर रही थी, तो यही करती है प्राइवेट सेक्टर भी कि कुछ भी प्राइस डिसाइड कर दो, हायर एंड हायर प्राइसेस डिसाइड करो. सोशल वेलफेयर से उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करते हैं मार्केट में. मोनोपोली मतलब सिंगल कंट्रोल वो चाहते हैं पूरी मार्केट का, ताकि उनके हिसाब से मार्केट चले, गवर्नमेंट उनके डिसीजन मेकिंग का पार्ट कभी भी ना बने. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं. और इसी से हम एक पॉइंट को भी रिलेट करते हैं हाईली प्राइज्ड गुड्स से. जो ट्रेजेडी की हम बात करते हैं, दैट वाज इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के एक छोटे से टाउन में ये हुई थी ट्रेजेडी, दैट इज इन सिरसिला, जिसको हम सिरसिला ट्रेजेडी बोलते हैं. और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है. एक नंबर में भी आ सकता है, तीन या चार नंबर में भी आ सकता है. नोट्स में मैंने इसको बॉक्स के अंदर दिया हुआ है हाईलाइट करते हुए कि उस टाइम पे हमारी आंध्र प्रदेश में इस टाउन में पार्लोम इंडस्ट्रीज वर एट पीक. काफी अच्छी प्रोडक्शन थी उनकी पार्लम इंडस्ट्रीज की, और काफी वर्कर्स, एम्पल वर्कर्स जो मेनली रूरल एरिया में रहते हैं ना, बहुत वर्कर्स यहाँ पे एम्प्लॉयड थे. अब जैसे ही प्राइवेटाइज होना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे सारी की सारी इंडस्ट्रीज में भी प्राइवेटाइजेशन आने लग गया, तो हुआ क्या कि सडनली इलेक्ट्रिसिटी पे जो टैक्सेस लगते हैं, मेनली जो टैरिफ्स होते हैं, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए. तो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ गए, महंगी हो गई बिजली.
अब जो ओनर थे वो इंडस्ट्रीज बंद नहीं करना चाहते थे क्योंकि सर्वाइवल है और बहुत सारे लोगों का सर्वाइवल उस पर डिपेंडेंट है. तो दे नेवर वॉन्टेड टू क्लोज या शट डाउन द इंडस्ट्री. उन्होंने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना ही प्रेफर किया. बट उन्होंने धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे उन्होंने जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयड थे वहां पे, उन्होंने उनके वेजेस को कट करना स्टार्ट कर दिया. धीरे धीरे दे स्टार्टेड कटिंग द वेजेस ऑफ वर्कर्स. और पहले तो इनिशियली जो वर्कर्स थे ना, उनको पता भी नहीं चला कि वेजेस कट हो रहे हैं, क्योंकि उनके मतलब बहुत कम प्रोपोर्शन में कट करते थे, तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. दे वर एबल टू फीड देयर फैमिली एज वेल. मगर जब ज्यादा कट होना स्टार्ट हो गए वेजेस, क्योंकि ओनर के ऊपर बहुत बर्डन लिवाय हो रहा था बिकॉज ऑफ राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा ये यूज होती है वहां पे इंडस्ट्रीज में, तो धीरे धीरे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था. And approximately 50 workers committed suicide at the same time. Therefore, it is called a tragedy. 50 workers committed suicide. और मतलब क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था और वो अपनी फैमिली को फीड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने यही सोचा कि भाई इससे अच्छा तो मरी जाए, तो ज्यादा बेटर है. तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है प्राइवेटाइजेशन का, दैट इज सिलसिला ट्रेजेडी इन आंध्र प्रदेश बिकॉज ऑफ हाईली प्राइज्ड गुड्स. पढ़ो जल्दी. ठीक है यश. निग्लेक्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट जीडीपी में एक्सटर्नैलिटी से भी थोड़ा रिलेटेड है. स्वामी, हाँ बोल सकते हैं, बट मतलब हाँ लिख सकते हो. जैसे हमने वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जांपल लिया था स्वामी, कि इंडस्ट्रीज है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, दैट प्रोडक्शन इज अकाउंटेबल इन जीडीपी, बट जो उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, उसको इग्नोर किया जाता है. तो हाँ लिख सकते हो, मतलब सेम पॉइंट्स है. मैंने तुम्हें टेस्ट का बता दिया था ना. अच्छा डेट नहीं बताई थी. फ्राइडे ही होगा शायद. ठीक है, मैं परसों बताती हूँ, सैटरडे वाली क्लास में बताऊंगी मैं. ठीक है, मतलब कंफर्म कर दूंगी मैं टाइम. नेक्स्ट वीकेंड में ही होगा, आइदर फ्राइडे और सैटरडे. मनी एंड बैंकिंग का टेस्ट होगा तनीषा, यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स. हो गया. दो रिफॉर्म्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ये सिलसिला ट्रेजेडी तक, जो लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर टॉपिक मतलब रिफॉर्म का, प्राइवेटाइजेशन का, यहाँ तक तुम्हारा होमवर्क है पढ़ने का. नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ग्लोबलाइजेशन और क्रिटिकल अप्रेजल वाला टॉपिक बचा हुआ है अभी, विल डिस्कस दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, इतना पढ़ लेना साइमल्टेनियसली, एंड के लिए कुछ भी मत छोड़ना. क्लास लीव कर सकते हो. बाय बाय, टेक केयर, बाय.